अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चलो दस्तील ये ले लो, ये छतरी ले लो। बड़ा भाई हूँ, एक क्या बोलते, तो अपने जो मेरे भाई को जो जलाया गया, अभी तक ना इंसाफ मिला ना कुछ, गवर्नमेंट वादे करे थे वो भी नहीं मिले, और अभी तक चार्जशीट पुलिस वाले कोर्ट को भी हैंड ओवर नहीं करे। और ये जो एडवोकेट साहब भी है, थोड़ा उनसे भी थोड़ा वो है कि एडवोकेट साहब को भी बार बार कॉल करना पड़ रहा, और ना ये गवर्नमेंट मतलब तो वो ले रही नहीं, ना तेलंगाना गवर्नमेंट ना एक्शन ले रही, ना कुछ ले रही, ना पुलिस एक्शन ले रही। जब तक चला के जब तक हो गया सब रफा दफा हो गया जैसा दिख रहा है, केस का कुछ हल चल नहीं है। सेम वैसी बच्ची का भी केस था हालाल में हुआ, सो सेम ये भी ऐसी केस है, वो पुलिस वालों का केस था, मिलिट्री वालों का केस है। आई वांट जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मुकीद है, मैं मुस्तफ़ा मेहदीपट्टनम गैरिजन से बात कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा का केस जो 2014 अक्टूबर 9 को हुआ था, बच्चों को आर्मी वाले जला के मार दिए थे, हमारे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और हमारे बच्चे की अभी तक चार्जशीट नहीं डाले। और क्या दूंगा, जो हमारे से वादा किए थे तेलंगाना गवर्नमेंट केस देखेंगे, केस नहीं देखे, और हमारे कने पद्मराव साहब आके जो हमारे से वादे किए थे, और मेयर माजी सुजन साहब थे, और DCP साहब थे, और SCP बस मोहिद्दीन साहब थे, हमारे को कुछ अंजलि कुमार थे, सब गवाह थे। जब पद्मराव साहब गौड़ आए थे हमारे घर पे, जो जो चीज़ बोले थे, बस्ती को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, या बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी लगाएंगे, जो जो भी हमारे को बोले थे, कंपनसेशन दिलाएंगे, हमारे को अभी तक कुछ नहीं मिला। और मुस्तफ़ा केस की को भी छानबीन नहीं हुई। अपोला राजू मरे जब से सब चीज़ बर्खास्त हो गया, और पुलिस वालों के पूरे ट्रांसफ़र हो गए, और बच्चे की अभी तक चार्जशीट पुलिस वाले नहीं डाले, हमारे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। हमारे को इंसाफ चाहिए, मुस्तफ़ा का इंसाफ चाहिए, मुस्तफ़ा का इंसाफ चाहिए।